नमस्ते दोस्तों, आपके न्यूज़ चैनल ओनली फॉर नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न लेकर आया हूं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आज की वीडियो शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन्नति में संधि है। उन्नति में संधि है, संधि किसे कहते हैं? जो दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ दो वर्ण कौन कौन से मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहा है त और न। ठीक है, त और न मिल रहा है। त और न के उत प्लस नति से उन्नति बनता है। तो यहाँ त और न यानी कि दोनों वर्ण क्या है? व्यंजन है। तो दो व्यंजन वर्णों के संयोग से जो संधि उत्पन्न संधि होती है वो व्यंजन संधि कहलाती है। तो उन्नति में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, जो कि त और न के मेल से उत्पन्न हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे इसका आंसर दे रखा है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुहू की जस कोयल रोकी, रकत आंसू घुगची बन बोई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति, सहोक्ति, वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति। देखिए, अलंकार किसे कहा जाता है? अलंकार जो होता है विभूषण होता है काव्य का। अलंकार जो होता है वो काव्य का विभूषण है, आभूषण है। ठीक है ना, जिस प्रकार मनुष्य के आभूषण होते हैं वैसे काव्य का जो आभूषण होता है वो उसे हम अलंकार कहते हैं। मतलब जो काव्य की शोभा बढ़ाता है वो अलंकार कहलाता है। तो इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अतिशयोक्ति अलंकार उससे कहते हैं जिन पंक्तियों में सामान्य लोग की पहुंच से बढ़कर बात की हो, मतलब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर अगर कहा हो तो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो यहाँ जो मैं आपको इसका उदाहरण भी देना चाहूँगा, अतिशयोक्ति का ये जो उदाहरण है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक अच्छा सा उदाहरण भी है जो मुझे याद है, तो सुन लीजिए। उदाहरण है, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है ना, इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी की पूंछ में तो आग लग नहीं पाई और उससे पहले ही सारी की सारी लंका जलकर राख हो गई और सारे राक्षस भाग गए, जो कि सामान्य मानव की कल्पना से परे हैं। तो उन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। तो यहाँ ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं, ये पंक्तियाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी की है। मलिक मोहम्मद जायसी की एक अच्छी सी कृति है जिसका नाम है नागमती वियोगखंड। ये पंक्तियाँ नागमती वियोगखंड से ली गई है और इसमें अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, नागमती वियोगखंड जो है वो बहुत ही अच्छी कृति है। अगर आपको समय मिले तो आप प्लीज़ उस कृति को गूगल पर सर्च कीजिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपना आंसर अतिशयोक्ति करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आपका, अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। ये कौन सा वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ निषेधपरक वाक्य उसको कहते हैं जिसमें नहीं की कोई बात की हो कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, वो कार्य नहीं करना चाहिए। विनम्रतापूर्वक, विनम्रता सूचक संरचना उससे कहते हैं कि जो विनम्रता से कोई किसी से आपको निवेदन कर रहा हो कि आप कृपया करके ऐसा कर लीजिए, कृपया करके वैसा कर लीजिए। तीसरा होता है कि दिशाबोधक, मतलब कोई आपको दिशा दर्शाता है कि हाँ आपको ये करना ही चाहिए, वो करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए है, मतलब ये हो सकता है ये दिशाबोधक हो। और विधि सूचक उसको कहा जाता है जो नियम के अंदर आता है, ये भी करना चाहिए में ही आता है लेकिन ये नियमानुसार बात करता है। ठीक है, जैसे कि आपको आपके अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, आपको आपके मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ये सारे क्या है? विधि वाले वाक्य। विधि मतलब नियम में वाक्य है, ये नियमानुसार आपको करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो वाक्य है ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है दिशाबोधक में और विधि सूचक में। जब ऐसा कन्फ्यूज़न हो तो आप परमानेंटली अपना आंसर विधि सूचक लगा के आइए, क्योंकि ये विधि सूचक में ज़्यादा सही बैठता है। ठीक है, मतलब फोर्थ आंसर अपना करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, भुजक्कड़ शब्द में प्रत्यय है। तो यहाँ प्रत्यय किसको कहते हैं? जो पीछे से किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द को बदलता है या उसकी शोभा बढ़ाता है, उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, वो प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ भुजक्कड़ में आपको पता होगा कि यहाँ पर अक्कड़ प्रत्यय है जो कि भुज के पीछे लगा हुआ है, यानी कि यहाँ फर्स्ट आंसर अपना करेक्ट है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुत शब्द का अर्थ नहीं है। तो देखिए सुत शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है धागा, रथ हाँकने वाला और भाट, ये तीनों इसके अर्थ होते हैं। देखिए रथ हाँकने वाला तो आपने सुना होगा, अगर आप में से किसी ने महाभारत सुनी है तो उसके अंदर सुना होगा आपने सुत पुत्र कर्ण होता है, कर्ण जो रहता है उसको सुत पुत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पिता जो थे वो महाराजा के रथ हाँकते थे, इसलिए उसको सुत पुत्र कहा जाता था कि तू रथ हाँकने वाले का पुत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों इसके अर्थ है, तो अर्थ जो है वो कर्ण नहीं, यानी कि अपना आंसर सेकेंड हो जाएगा। कर्ण का अर्थ होता है कान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेजा उछलना मुहावरे से क्या आशय है। तो कलेजा उछलना, कलेजा कब उछलता है? वैसे तो मुहावरा आपको अच्छे से पता होगा, मुहावरे के जो आशय रहते हैं ये आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करते हैं अधिकतर। आपने जो पढ़े हैं, जो याद किए हैं आशय, वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको अपनी सूझबूझ के साथ यहाँ उनका, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से भी आपको आंसर लगाना होता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन भी वही है दिल का धड़कना, सेकंड भी सॉरी थर्ड भी वही है दिल का धड़कना, और फोर्थ भी वही है। देखिए कलेजा उछलना का मतलब दिल धड़कना ही होता है। अब वो दिल धड़कना मतलब, अब वो दिल कैसे भी धड़क सकता है, उद्वेग से धड़क सकता है, आशंका से धड़क सकता है, हर्ष से धड़क सकता है। तो यहाँ पर तीनों ही सही है, यानी कि अपना करेक्ट आंसर जो है वो सेकेंड हो जाएगा। उक्त सभी, दिल धड़कना या कलेजा उछलना, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो, यह कौन सा वाक्य है? देखिए यहाँ थोड़े ऑप्शन ज़्यादा दूर दूर हो गए हैं, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तुम खूब पढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, तो एक कैसा वाक्य है? यहाँ कोई किसी को आज्ञा दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है ना? आज्ञा वो होती है कि जो किसी को कहा जाए कि तुम ऐसा करो वैसा करो। यहाँ पर विधान, यानी कि वही विधि सूचक जो अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था विधि सूचक वाक्य, तो यहाँ विधि से संबंधित कोई बात ही हो ही नहीं रही है। माता पिता का नाम रोशन करने की तो किसी न्याय तंत्र में कोई बात नहीं की गई है। और फोर्थ ऑप्शन जो है संकेतार्थक, तो यहाँ किसी बात की ओर संकेत तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ स्पष्ट बात हो रही है कि माता पिता का नाम रोशन कीजिए आप। तो ये इच्छा किसकी रहती है? ये इच्छा माता पिता की रहती है। तो ये जो वाक्य है ये इच्छा सूचक वाक्य है, यहाँ अपना सेकेंड आंसर सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अन्न जल पद में समास है, अन्न जल। अब देखिए समास जो रहता है वो शब्दों का मिलन होता है। इससे पहले संधि का भी क्वेश्चन आया था, संधि जो रहती है वो वर्णों का मिलन होता है, और समास जो रहता है वो शब्दों का मिलन होता है। तो यहाँ ये दो शब्दों का मिलन है, अन्न और जल। अब इसके अंदर जो है वो द्वंद्व समास आएगा। यहाँ पर आप सभी समासों की परिभाषा अच्छे से पढ़ लीजिए। अव्ययीभाव समास उसको कहते हैं जिसका फर्स्ट जो हो शब्द वो अव्यय हो, जिसके आगे अव्यय हो। द्विगु उसको कहते हैं जो संख्याओं से बना हो। कर्मधारय उसको कहते हैं जिसमें विशेषण और विशेष की भावना हो। और द्वंद्व समास में जिसमें दोनों पद प्रधान हो, यानी कि अन्न और जल दोनों पद यहाँ प्रधान है, इसलिए इसमें द्वंद्व वाक्य सॉरी द्वंद्व, इस पद में द्वंद्व समास रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन आपके लिए है, होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली। तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि होशंगाबाद जिले में जो है वो बुंदेलखंड की तरफ आता है। होशंगाबाद जिला जो रहता है एमपी के अलग अलग पार्ट है, तो ये बुंदेलखंड की तरफ आता है। तो उस हिसाब से भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि होशंगाबाद में बुंदेली बोली बोली जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैभव शब्द का पर्यायवाची है। अब यहाँ पर आपको पर्यायवाची याद रखने हैं। तो वैभव, वैभव से क्या होता है? वैभव से किसी भी व्यक्ति का उत्थान होता है, उसकी वाहवाही होती है। तो यहाँ वैभव का अर्थ महत्ता सही रहेगा, शक्ति बढ़ती है उसकी, ये भी बात सही रहेगी। वैभव का मतलब ऐश्वर्य होता है, ये भी बात सही रहेगी। मतलब यहाँ उक्त सभी अपना आंसर रहेगा। ठीक है, तो हमारे 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, एंड ये बेल आइकन दबाना ना भूलिए भूलिए। ठीक है, बेल आइकन दबाइए। और प्लीज़ आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है वो मुझ तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। एंड आपको जो भी कोई कमेंट करनी है वो कमेंट कीजिए, और आपके दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।